पहली लोहड़ी थोड़ी है मेरी, अब 30 साल उम्र हो गई है। 30 साल उम्र शादी के बाद पहली लोहड़ी है ऐसे का टाइम आ गया। मेरे दीदी जीजू और ये इधर भी, और आर्यन तू बच गया पीछे आ जा। और ये रहा हमारा आग जलती हुई। ऐसा क्या है जो आप ये वाला डे बोल रहे हो? खुशबू कैसी है? कैसी है खुशबू? तगड़े वाली खुशबू है। स्वाहा देवी पूजी पद कमल सब कोई सुहारे। क्या खाएगा? मीठे चावल। तेरे मुंह में पानी आ रहा है मीठे चावल देख के। देखो यार क्या धुंध है, क्या धुंध है भाई। गॉड बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब अभी मेरे चारों इंडिकेटर चल रहे हैं और इंडिकेटर चलने के बावजूद भी बाहर। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज के दिन की हमारी शुरुआत ऑफिस से हो रही है क्योंकि आज सुबह से ना मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। और आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 3:15 बजे और वो भी ऑफिस से इन महारानियों के साथ। और ये आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं किसके लिए? केक के साथ। वाह, तो ये स्टिक ले लिए जा रही है केक की। यस, तो गाइस व्लॉग तो शुरू हो रहा है। और ये देखो ये बंदे आज मतलब सारे रेड बन के आए। क्या चक्कर है? तो प्रियंका भी रेड है, ये भी रेड है। और आज का हमारा व्लॉग देखो कितने बजे शुरू हो रहा है। कितने बजे शुरू हो रहा है? 3:15 बजे। क्यों आज को ऐसा क्या है जो आप ये वाला डे बोल रहे हो? तो चलो मांग लो भाई लोड़ी आप भी। तो चलो गाइस यहाँ पे एक केक कट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यस मारे, पहली लोड़ी थोड़ी है मेरी, अब 30 साल उम्र हो गई है। शादी के बाद पहली लोड़ी है ऐसे बोलो ना यार, हमें थोड़ा पता कि शादी के बाद पहली लोड़ी आ जाएगी। क्यों अंकु सर, आप क्या पढ़ रहे हो सर? उधर बिजी चल रहे हैं सर आज ना। तो चलो गाइस केक काटते हैं, फिर देखते हैं आगे का। और आज शाम को कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या प्रोग्राम होगा हमारा, कुछ नहीं पता। तभी तो ड्यूटी 2 घंटा पहले 4 घंटा पहले चले जाना, 10 से 7 करनी है। शाम को कौन मुजरा करेगा? कुछ तूने करनी है ना ड्यूटी आज शाम को। मैं करती रहूंगी ड्यूटी, करती रहूंगी पूरे पूरे दिन। तो चलो गाइस थोड़ा फ्री होते हैं, करते हैं खत्म, तो फिर निकलते हैं, फिर बताएंगे आपको, बाहर मिलते हैं आराम से। ओके, तो गाइस अभी ऑफ करके निकले हैं ऑफिस से क्योंकि अभी बजे हैं 6 और अभी निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि अभी घर जाना। और बाहर देखो यार मौसम, मतलब ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। और अभी निकलते हैं, तो चलो मिलते हैं आपको रास्ते में। दीदी घर जाना अभी, और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, कब पहुँचूंगा अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी निकलते हैं फिर देखते हैं। और मुझे एक फ्रेंड है, उसकी शादी का कार्ड भी आ गया आज, और कह रहा है इन्वाइटेड हो आप उसकी 20 को उसकी मैरिज है, तो ज़रूर जाएंगे उसकी शादी में, मिलते हैं सबसे। ऐसे तो वो हमारी शादी में आया था, तो आज हम उसकी शादी में जाएंगे। तो चलो ये भी वेट कर रहे हैं, परीक्षा में भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो चलो इनको ही लेते हैं। तो निकलते हैं, तो मिलते हैं आपको रास्ते में। अभी ऑफिस से निकल चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं सीधा घर। और आज गाइस इतनी ज्यादा सर्दी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्दी को छोड़ो हैप्पी लोहड़ी। yes. मैंने आपको विश नहीं किया हुआ था, व्लॉग भी मैंने बहुत लेट शुरू किया, 3 बजे मतलब 3:15 बजे। सबसे पहले लोहड़ी की आप सबको मुबारक, अच्छे से लोहड़ी बनाओ। और सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आज तो कुछ ज्यादा ही डबल, मतलब कि आज बहुत पूरे दिन धुंध थी लेकिन बहुत ही ज्यादा, जैसे रात को पड़ती है ना वैसी थी दोपहर को। तो अभी हम कुछ सामान लेते हैं लोहड़ी का, मूंगफली वगैरह गच्चक वगैरह जो होती है। तो अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर, तो आज इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं, तो फिर मिलते हैं पुटखू में। लोहड़ी कैसे बनाई जाती है, मेरी एक्चुअली फर्स्ट लोहड़ी है। ऐसे तो घर पे जाना था लेकिन घर पे कुछ था कि हम जा नहीं पाए, क्योंकि छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए नहीं जा पाए। तो चलो फर्स्ट लोहड़ी अब पुटखू में बनाते हैं, कैसी होती है फर्स्ट लोहड़ी मेरी, तो वो देखते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी अभी तक तो मुझे कोई फीलिंग आया नहीं कि मेरी कोई फर्स्ट लोहड़ी है वैसा कुछ है। तो अभी तो एज इट इज जैसे नॉर्मल था वैसे ही चल रहा है, तो नॉर्मली होता है, कोई इतना स्पेशल थोड़ा होता है, नॉर्मली होता है। जो बंदा स्पेशल होता आया हुआ होता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल वो तब होता है। अगर हम घर जाते तो फिर घर वालों के साथ पूरी स्पेशल तरीके से बनाई जाती कि लोहड़ी कैसे सेलिब्रेशन की। लोहड़ी तो पूछते हैं हम
क्योंकि जैसे आज दिखाई देंगे वहाँ पे आग जलेगी तो उसके ऊपर हमें वो जो वो तो मुझे भी पता मूंगफली वगैरह वो उसमें डालते हैं तो आग में डालते हैं, बट हमारे में डालते हैं, हमारे में कल सुबह जैसे होता है हमारे में दूसरे तरीके से होता है, ये भी होता है वो भी होता है, दोनों तरीके से अलग अलग कल्चर है भाई, हर जगह अलग कल्चर है, ऐसा ही होता है, होता सेम ही है, लेकिन इनके में हमारे में कल खिचड़ी बनती है, इनके में मीठे चावल बनते हैं, हमारे में खिचड़ी तक कंपलसरी, हमारे में मीठे चावल कंपलसरी है क्योंकि कुछ मीठा होता है, खिचड़ी जरूर बनाएंगे पूरे साल मिठास ही रहे, हम जरूर खिचड़ी, और खिचड़ी भी मीठी होती है, खिचड़ी और खिचड़ी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो मीठे चावल कौन से खराब होते हैं, वो भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, शुगर डायबिटीज बढ़ सकती है किसी की। बातें करते करते हम पवन आइसक्रीम पे पहुंच गए, हम और अभी हम जा रहे हैं किस साइड वो आपको दिखाते हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि हमने नीचे से नहीं जाना, हमने फ्लाई ओवर चढ़ना है और ये रहा फ्लाई ओवर, ये रहा फ्लाई ओवर, अभी हम फ्लाई ओवर चढ़ेंगे क्योंकि बाहर धुंध है, उस वजह से दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है कुछ नहीं, और ये सामने आ गया पाम आइलैंड, और आगे से हमने यू टर्न लेके वापिस इस फ्लाई ओवर पे आना है, वापिस इस फ्लाई ओवर पे आना है, अभी तो रोड खाली है, ये सभी पूरी खाली है, तो चलो हम जब सामान लेंगे कुछ खाने पीने का तब तो मिलते हैं। यस तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं फ्लाईओवर के ऊपर, और ये रहा फ्लाईओवर, और इसमें स्पीड अपनी नॉर्मल चलती है 70-80 की स्पीड चल रही है अपनी आराम से, और सामने देख सकते हो पूरी लाइट लाइट है, और दुनिया इस समय फ्लाईओवर के ऊपर खड़ी है, खड़े तो हम भी हो सकते थे लेकिन बाहर धुंध बड़ी है, ठंड बहुत है भाई, बहुत ठंड। आर्यन हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, ये क्या पकड़ा आपने, हेलो करो हेलो करो, शाबाश हैप्पी लोहड़ी, चलो बस बस लोहड़ी की मुबारक हो पिद्दू साहब, लोहड़ी की मुबारक हो, आजो 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 दौड़ते दौड़ते हुए आजो, थैंकू, तू तो पैको पैक होके बैठा है, हैं कहाँ रखा है अंदर, वो क्यों अंदर रखने के लिए रखा है वो है, हैं हैं किसके लिए निकाला है, अच्छा मेरे लिए भी, तो गाइस अभी पहुंचे हम पुरखू, जैसे कि आपने देखा शैतान आ गया हमारे पास, हाजिर हो गया ये, और अभी लोहड़ी पूरी जाएगी उसके बाद देखते हैं, फिर तो फिर हमने वापस ही जाना भी रूम में, तो फिर कब तक चलेगा आज हमारे साथ, आज हमारे साथ चल गया, कल चलते हैं यार, कल आएगा ना फिर, कल सुबह आएगा तू, ओ कोई नहीं कल आएगा तू, कल छुट्टी है तेरे को, कल तू आएगा, कल आएगा, कल ये हमारे पास आएगा, यस हाँ ठीक है ना, क्योंकि पापा को अभी छुट्टी है ना, पापा घर पे ही हैं, तो पापा आएंगे कल, हाँ आर्यन आएगा, आर्यन आएगा कल, हैं आएगा ना, हाँ तो कैसे बैठे होते हैं, अभी आग आ गई है, चलें हम चलें बाहर आग के पास, इधर हमने हीटर लगाया हुआ था, अभी बाहर आग चल रही है, तो आग के पास चलते हैं, तो फिर पूछते हैं लोहड़ी, क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं लोहड़ी, तो चलें, तो चलो, तो गैस अभी होने लगी है पूजा, क्योंकि पहुंच गए थे घर पे, और उसके बाद अभी पूजा का टाइम आ गया, ये रहे दीदी जीजू और ये इधर भी, और आर्यन तू बच गया पीछे आ जा, और ये रहा हमारा आग जलती हुई, तो चलो हम भी करते हैं पूजा, दोनों हैंड से धुआं लग रहा है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुंदर मुनि सब होई सुहारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुंदर मुनि सब होई सुहारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुंदर मुनि सब होई सुहारे,
स्वाहा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे मुनि सब होई सुहारे। जय श्री देव तो गैस अपनी पूजा हो गई संपन्न। अब खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं वापस। क्यों आर्यन हैं? बोलो अभी नहीं खाए पिए। बोलो नहीं जाना है। बैठ नहीं जाना अब तो बैठ सकते हैं। क्यों आर्यन क्या बोल रहा है? करो बैठ जाओ। तो अभी बैठते हैं यहाँ पे खाते पीते हैं फिर निकलते हैं आगे गली। आइए अब हमारा खाना आ चुका है। खाना आइए ये रहे मीठे चावल ठीक है, ये रहा सैलड और ये रही दाल। अभी चावल आने और सब्जी क्या आनी है। तो अभी आर्यन की कौन सी प्लेट है ये बोली? आर्यन खुशबू कैसी है? कैसी है खुशबू? तगड़े वाली खुशबू है। ठीक है भाई ठीक है। तो चलो गाइस अभी करते हैं डिनर अपना और आर्यन को भी कराते हैं उसके बाद फिर हम निकलते हैं। क्यों आर्यन सही बोला? तो चलो करते हैं। और ये रही आग, ये आ गई सब्जी भी आ गई ना सब्जी। अब क्या खाएगा तू? क्या खाएगा? मीठे चावल। तेरे मुंह में पानी आ रहा है मीठे चावल देख के हैं। तो चलो गाइस तो आज हमारा लोहड़ी पे स्पेशली हुआ है इसके साथ मीठे चावल के साथ, मतलब स्वीट चावल। आप उधर से कर रहे हो बहुत मस्त मीठे चावल हो रहे हैं। क्यों पंगे कर रहा है तू? क्यों पंगे कर रहा है? ये मुझे व्लॉगिंग शूट करने दे रहा। तो गाइस अभी पुरखू से निकले हैं और पुरखू से निकलते ही देखो यार क्या धुंध है, क्या धुंध है भाई गॉड। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब अभी मेरे चारों इंडिकेटर चल रहे हैं और इंडिकेटर चलने के बावजूद भी बाहर की देखो मतलब कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इतनी पास मतलब इतनी धुंध पड़ी हुई है। और अभी का जो टाइम है वो बज चुके हैं 10, मतलब कि पूरे 10 बज चुके हैं। अभी हम ज़्यादा देर बैठे भी नहीं, मतलब आधा पौना घंटे बैठे हैं और धुंध देखो मतलब खतरनाक वाली पड़ी हुई है, खतरनाक वाली। तो चलो गाइस अभी रूम पे पहुंच के ही मिलते हैं आपको। और ठंड भी खतरनाक वाली ठंड है, आज बहुत ज्यादा ठंड है। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गए। अभी अभी बाहर इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है कि कुछ क्या नहीं सकता। और अभी घर पे पहुंचे और अभी मन का फटाफट बिस्तर लगाया जाए, एकदम अंदर इतना ठंडा है ना, इतनी ठंड है ज्यादा। और अभी करते हैं अपना कंबल शंबल सेट करते हैं, रजाई को करते हैं तय करते हैं सीधा। और सिर्फ अभी रेस्ट करनी क्योंकि खाना खा के आए हैं, सब कुछ रेडी एकदम पैक है और अभी सिर्फ सोना है और कुछ नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। गाइस बच के रहो, इतनी फॉग थी, इतनी फॉग थी मतलब कोई 2 मीटर की दूरी पे भी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी चारों इंडिकेटर ऑन, लाइटें ऑन, डिपर मार मार के तो पहुंच चुके हैं अपने रूम में। तो यहीं पे व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और जिनको मेरा व्लॉग में नहीं दिखा गया होगा, मेरी तरफ से सबको हैप्पी लोहड़ी और आज का दिन। और कल है मकर संक्रांति, कल तो छुट्टी है भाई, कल घर पे ही रहना, कल कहीं नहीं जाना। तो कल का दिन देखते हैं कल क्या दिन क्या हो सकता है। तो आज का व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब रात। और मिलते हैं आपको कल सुबह नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ और नए साल के साथ, क्योंकि कल से जो देसी महीना होता है उसमें नया साल शुरू हो रहा है। और उस नए साल पे आपको कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शब बख़ैर।